हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा बिष्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो फिल्मी किस्सों में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसा क्या हुआ, क्यों अधूरी रह गई थी देवानंद की प्रेम कहानी। बॉलीवुड के रोमांटिक हीरो रहे देवानंद को चाहने वाले और उनकी एक झलक पाने को बेकरार रहते थे। देवानंद जब काला कोट पहनते थे तो लाखों लड़कियां उन पर फिदा हो जाती थी, लेकिन एक एक्ट्रेस ऐसी भी थी जिसने देवानंद की चाहत में आजीवन शादी नहीं की। देवानंद को चाहने वाली ये एक्ट्रेस थी सुरैया जमाल शेख। सुरैया और देव दोनों एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन धर्म और परिवार के विरोध ने दोनों को अलग अलग कर दिया था। 31 जनवरी 2004 में बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस सुरैया ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। प्रोफेशनल लाइफ में बेहद सफल इस एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ बेहद दर्द भरी थी। देवानंद और सुरैया अपने प्यार के लिए अंतिम दम तक लड़ते रहे, लेकिन इस समय सुरैया इस लड़ाई से थक गई थी और सरेंडर कर दिया। हालांकि देव के प्यार को वो कभी सरेंडर नहीं कर पाई। देवानंद की आत्मकथा रोमांसिक विद लाइफ में देव अपनी पर्सनल लाइफ और सुरैया से जुड़े किस्सों के बारे में बताया था। देवानंद और सुरैया की मुलाकात 1948 की फिल्म विदा के सेट पर हुई थी। शूटिंग के दौरान ही सुरैया और वह करीब आए थे। सुरैया की माँ तो चाहती थी कि देवानंद की शादी सुरैया से हो जाए, लेकिन सुरैया की दादी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। देवानंद ने बताया था कि एक शूटिंग के दौरान नाव पलट गई और उन्होंने सुरैया को बचाया। इसके बाद से सुरैया देव की दीवानी हो गई थी। देव भी उन्हें बहुत चाहते थे। देवानंद और सुरैया जहाँ एक दूसरे के प्यार में पागल थे, वहीं उनके परिवार एकदम इसके खिलाफ थे। 1949 में जीत की शूटिंग के दौरान देव सुरैया के साथ भागकर शादी करने को तैयार थे, लेकिन प्लान असफल हो गया। सुरैया की रूढ़िवादी दादी बादशाह बेगम को देव के प्लान का पता चल गया था और इसके बाद सुरैया कभी अपनी दादी के खिलाफ नहीं जा सकी। दादी के दबाव में सुरैया ने देव से मिलना तक बंद कर दिया। देवानंद से सुरैया की शादी के खिलाफ दादी केवल इसलिए थी क्योंकि देव हिंदू थे। आखिरी बार सुरैया से मुलाकात के बारे में देव ने बताया था कि एक बालकनी में दोनों मिले और गले मिलकर खूब रोए थे। इसके बाद उन्होंने सुरैया को कभी नहीं देखा क्योंकि सुरैया ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया और वह घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। ताउम्र देव की याद में उन्होंने खुद को जलाया और शादी नहीं की। देव ने बताया था कि वह सुरैया की मौत के बाद भी उनकी अंतिम यात्रा में नहीं गए थे। देव का कहना था कि वह नहीं जाते थे कि लोग सुरैया और उन्हें लेकर बातें बनाएं। देव का कहना था कि वह अंदर से टूट गए थे और अपने गम में खुद को रखना ही सही समझा था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसी तरह की और वीडियो हर शुक्रवार को देखने के लिए जनसत्ता को फॉलो करें और आप फिल्मी किस्सों से जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं।